जीवों को नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता, जीवों और अजीवों को नहीं जानता हुआ व्यक्ति संयम को कैसे जान पाएगा। आदमी के पास बुद्धि होती है, ज्ञान शक्ति होती है, और वह ज्ञान शक्ति के द्वारा पदार्थों को जानने का प्रयास भी करता है। मनुष्य के पास जितना ज्ञान हो सकता है उतना ज्ञान दुनिया के अन्य किसी भी प्राणी के पास नहीं हो सकता। पशुओं की तो बात छोड़ दें, देवों के पास भी वह ज्ञान नहीं हो सकता जो ज्ञान मनुष्यों के पास हो सकता है। एक बात बताना चाहूँगा कि साधना की दृष्टि से देखें तो देवों की अपेक्षा पशु ज़्यादा धार्मिक हो सकता है। देव उतनी धर्म साधना नहीं कर सकते जितनी धर्म साधना पशु कर सकते हैं। इसका सैद्धांतिक आधार यह है कि पशु में तो पांचवा गुण स्थान हो सकता है परंतु देवों में चौथे गुण स्थान से आगे का कोई गुण स्थान नहीं हो सकता। इसलिए धार्मिक साधना के अवकाश की दृष्टि से देवों की अपेक्षा पशु की योनि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु में पांच गुणस्थान तक हो सकते हैं और मनुष्य में तो 14 गुणस्थान तक हो सकते हैं। मनुष्य दूसरों को जानता है, हालांकि दूसरों को भी कितना जानता है, दूसरों को भी हम सामान्य ज्ञान वाले मनुष्य सीमित ही जानते हैं, फिर भी दूसरों को जानते हैं। हम अपने बारे में कितना जानते हैं, आंखों से बाहर देख लेते हैं, कुछ समय हम आंख मूंद करके बिताएं और यह लक्ष्य बना करके बिताएं कि मैं कुछ भीतर में जा सकूं, बाहर से भीतर की ओर जा सकूं, भीतर में रह सकूं, अपने आप में रह सकूं। कोई संबंध की बात नहीं, केवल आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मस्थ रह सकूं। प्राकृत में कहा गया एगो मे सास ओ अप्पा नान दंशन संजु ओ शेषा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, वह ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, बाकी के जितने भी बाह्य संबंध हैं, बाह्य भाव हैं, वे संयोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी हो जाता है। तो हम ज़्यादा नहीं तो कुछ समय अपने साथ रहने का प्रयास करें, दूसरे मित्रों के साथ नहीं अपनी आत्मा के साथ रहें। पुरी सा तुममेव तुमम मित्तम,
तुममेव तुमम मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसी, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर क्या मित्रों को खोज रहे हो। तो हमारा कुछ समय तो ऐसा बीते बाहर के मित्रों के साथ नहीं, संबंधों की दुनिया में नहीं, संबंधातीत चेतना में चले जाएं। साधु के लिए कहा गया, संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्खुनो। साधु के तीन लक्षण हो जाते हैं। पहला लक्षण है संजोगा विप्रमुक्त, संयोग से विप्रमुक्त। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आपकी भाषा होती है यह मेरी माँ है, यह मेरा भाई है, यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी बहन है, ये मेरा 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 यह चलता है। साधु की भाषा में ऐसा नहीं होता या नहीं होना चाहिए कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी, ऐसा नहीं। कहें तो संसार पक्षीय भाई हैं, संसार पक्षीय पिताजी, यानी अब नहीं, मैं संसार में था तब मेरे ये पिताजी थे, या संसार पक्ष के संबंध में पिताजी हैं, बाकी अभी मेरे पिताजी भी नहीं, अभी तो केवल आत्मा। और फिर कुछ संबंध है तो गुरु के साथ, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, यह धार्मिक संबंध है। पिता पुत्र का संबंध तो सांसारिक है, और गुरु शिष्य का संबंध धर्म के जगत में धार्मिक होता है। तो हम बाहर की दुनिया में जीते हैं, कुछ भीतर में रहने का भी अभ्यास करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान की बात बताई। प्रेक्षा ध्यान भीतर में जीने की, भीतर में रहने की विधा है, बाहर से अलग होने की विधा है। हम ध्यान के द्वारा या अपनी वृत्ति ऐसी बना लें कि अनासक्ति की वृत्ति, केवल अपने आप में रहने की वृत्ति, उसके द्वारा अपनी दुनिया में रहने का भी अभ्यास करें। और वह बहुत बड़ी बात होगी जब आदमी अपनी पहचान कर लेता है, अपने आप को जान लेता है। हम अपनी चेतना से कुछ अनजान बने हुए हैं। जितना हमारा विकास होगा, इसमें भी तारतम्य है, कुछ किसी की अनजानता ज़्यादा है, किसी की कम है। तो हम चेतना से, अपने आप से अभिज्ञ होने का प्रयास करें। अपनी पहचान करना भी आसान काम नहीं है। दार्शनिक के पास एक युवक चला गया, जिज्ञासु युवक था, प्रश्न पूछने शुरू किए। युवक ने पूछा, महोदय दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? दार्शनिक ने कहा, सबसे बड़ा तो आकाश होता है। हम देख ले, आकाश से बड़ा कुछ नहीं है हमारी दुनिया में। सारे मनुष्य आकाश में हैं, सारे पशु आकाश में हैं, सारे मकान आकाश में, सारे गांव नगर सब आकाश में हैं, समुद्र पहाड़ चांद सूरज आदि सब आकाश में हैं। तो जो इतनों को समावेश दे रहा है, अवगाहित कर रहा है, वह तो सबसे बड़ा हो जाता है। तो आकाश सबसे बड़ा है,
और आकाश में भी मुझे कोई पूछे तो अलोकाकाश सबसे बड़ा है। अलोकाकाश लोकाकाश से भी बड़ा होता है। जैन दर्शन में आकाश के दो विभाग बताए गए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश तो अनंत है, कोई और छोर मानो उसका अंत नहीं है। एक लोकाकाश बीच में है, वहाँ कोई अंत मान लें तो एक अपेक्षा है, बाकी अगले सिरे में देखें तो अलोकाकाश का कहीं अंत नहीं। लोकाकाश तो एक बूंद के समान है, एक समुद्र और एक बूंद कितना बड़ा फर्क है। तो लोकाकाश तो अलोकाकाश के बीच में एक बूंद के समान है, समुद्र के सामने बूंद वैसे अलोकाकाश के सामने लोकाकाश, और संभवतः बूंद भी बड़ी है, बूंद भी बड़ी है, उससे भी छोटा स्थान लोकाकाश का है। तो आकाश सबसे बड़ा है। दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे आसान काम क्या है। दार्शनिक ने कहा, मैं अपने तरीके से बात बताऊं कि दूसरों की निंदा आलोचना करना बहुत आसान काम है। यह भी कहा गया है कि बिना मांगे सलाह देना आसान काम है। दार्शनिक ने दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो तीसरा प्रश्न युवक ने पूछा, सबसे ज्यादा गतिशील कौन है। दार्शनिक ने उत्तर दिया, आदमी का विचार, आदमी का मन, यह बहुत गतिशील है। मन में कहां से कहां की कल्पनाएं आ जाती हैं। भारत में बैठा व्यक्ति मन से मानो अमेरिका पहुंच जाता है, तो कितनी गति है मन की। हम अपने ही मन से परेशान भी हो जाते हैं। मन की चंचलता, मन के विकार आदमी को परेशान भी कर देते हैं। चौथा प्रश्न पूछा युवक ने, दार्शनिक महोदय, सबसे कठिन कार्य क्या है। दार्शनिक बोला, अपनी पहचान। सबसे कठिन काम अपने आप को पहचानना है। दूसरों को भी स्थूल रूप में जानना आसान है, सूक्ष्मतया तो दूसरों को भी जानना मुश्किल है। अपनी आत्मा को जानना मुश्किल है तो दूसरे की आत्मा को भी जानना मुश्किल है। अब आत्मा आत्मा सबको एक मान लें तो आत्मा को जानना मुश्किल है, स्थूल पदार्थों को जानना कुछ आसान है। अपने चेहरे को भी कभी कभी आदमी नहीं पहचानता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी से एक बार कहानी सुनी थी। एक कोई भील जाति का लड़का था, जिन्हें आप लोग आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो भील का लड़का था, गांव में रहने वाला था। थोड़ा उसने शिक्षण प्राप्त किया था। एक दिन वह किसी शहर में चला गया तो उसने सोचा, वापिस गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, कोई ऐसी चीज ले जाऊं जो मेरे परिवार के लोगों के लिए बिल्कुल नई हो, अज्ञात हो, ऐसी चीज ले जाऊं। एक दुकान में देखा, आदम कद शीशा पड़ा था। वह उसके पास गया तो उस
का चेहरा रूप उसमें दिखने लग गया। उस युवक ने भी वैसा वो कांच कभी देखा ही नहीं था, अनजान था। आज देखा, रे यह चीज़ तो बढ़िया है, हमारे घर में तो कभी यह चीज़ आई ही नहीं है मेरे देखने में, इसको ले जाऊं परिवार वालों के लिए कुतूहल का विषय बन जाएगा। उसने वह आदम कद दर्पण खरीदा, ले गया, घर पहुंचा। घर में जो बाखल थी, खुला मैदान था, उसमें दीवाल के पास उसको खड़ा कर दिया। अंदर बिल्डिंग थी, उसमें गया और सबसे पहले उसकी अपनी औरत मिल गई उसको, तो सबसे पहले औरत को कहा कि देखो नई चीज लेकर के आया हूँ। कहाँ है? कि बाहर है। तो वो थोड़ी बाहर गई तो दूर से ही वो उसका चेहरा कांच में दिखने लग गया। तो उसने, वो तो जानती नहीं थी, तो उसने सोचा, रे ये तो नई औरत लेकर के आ गए हैं, मेरे ऊपर सोत लेकर आ गए हैं। सीधी अपनी सास के पास गई, बोली, माँ तुम्हारे बेटे ने बड़ा गलत काम कर दिया है। क्यों बिन्नी, क्या गलत काम किया कि मेरे ऊपर सोत लेकर के आ गए हैं? अब मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कितने ताने मुझे उससे सुनने पड़ेंगे। वो बूढ़ी माँ थी लड़के की, उसने कहा, बिन्नी ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा बेटा मुझे पूछे बिना दूसरी औरत ला नहीं सकता, इतना विनीत है मेरा बेटा। वह बोली, माँ साहब विनीत है कि अविनीत है, आप जानो वो औरत लेकर तो आ गया है, औरत शंका हो तो बाहर जाकर के देख लो, बाहर औरत खड़ी है। वे सास को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि मेरा लड़का मुझे बिना पूछे कोई औरत को ला सकता है, पर फिर भी यह बहू बार बार कह रही है तो जाकर देख लूं बाहर क्या चीज है। वह सास बूढ़ी थी और वो बाल बिखरे हुए थे, ऐसे ही वो गांव की महिला थी, ऐसे ही वो बैठी रहती थी, दांत भी गिर चुके थे, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। शरीर का तो स्वभाव है, अवस्था आने के बाद चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हाथ की चमड़ी ढीली ढीली हो जाती है। उस रूप में वह सांस बाहर आई और कि वो चीज़ तो कोई है, कांच देखा तो उसके वो बिल्कुल पास में गई, पास में जाकर देखा तो औरत तो खड़ी है। बहू ने बात तो सही कही है कि औरत लेकर आया ही है, तो पर मन में एक विचार आया, उसको अभिव्यक्ति देते हुए लड़के को बुलाया, बेटा आओ इधर आओ। लड़का आ गया कि मूर्ख कहीं का, औरत लाया तो जवान तो लाता, बुढ़ी को क्यों लाया, बुढ़िया को क्यों लेकर के आया हो, बुढ़िया क्यों लाए हो? अब पता नहीं बुढ़िया कौन है, खुद ही खुद बुढ़िया का चेहरा दिख रहा है, रूप दिख रहा है। तो उस गांव की बुढ़िया अपने आप को भी नहीं पहचान सकी कि मेरा ही रूप इस कांच में दिख रहा है। उन्होंने कभी कांच को देखा भी नहीं था तो पता भी कैसे चले। इतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं रही होगी कि एक बार कांच को देखने से अनुमान लगा ले इसमें मेरा रूप दिख रहा है। तो हम अपने चेहरे को भी अगर नहीं पहचान सके, फिर ये आत्मा वाली बात तो बहुत आगे है। हम आत्मा की बात को भी एक बार छोड़ दें, वो बहुत ऊंची बात है। आदमी यह सोचे कि मैं ऐसा काम न करूं जिस काम से दूसरों को तकलीफ पड़े। अणुव्रत आंदोलन चल रहा है और अणुव्रत समिति भी पीलीबंगा में भी है,
अनुवृत्ति बनने के लिए जैन बनना आवश्यक नहीं है। अनुवृत्ति बनने के लिए आचार्य तुलसी को या आचार्य महाश्रमण को गुरु बनाना भी आवश्यक नहीं है। अनुवृत्ति बनने के लिए भगवान महावीर का भक्त बनना भी जरूरी नहीं है। और मैं तो इतनी आगे की बात कहना चाहूँगा कि अनुवृत्ति बनने के लिए आस्तिक बनना भी जरूरी नहीं है। कोई नास्तिक आदमी है वह भी चाहे तो अनुव्रती बन सकता है, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं। कोई नास्तिक आए अनुव्रत के दरबार में अनुव्रती बने, हम तो उसे भी अच्छा मानते हैं। हालांकि कोई चाहे तो आस्तिक नास्तिक बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। और मुझे तो यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कोई आदमी यह कैसे मान सकता है कि परलोक नहीं ही है, पुनर्जन्म नहीं ही है, ऐसा कोई कैसे मान सकता है। ठीक है, आस्तिकवाद में भी प्रश्न है तो नास्तिकवाद में भी प्रश्न है। फिर कोई विद्वान नास्तिक हो कहीं तो वो मेरे से बात करना चाहे, तो मैं भी बात करना चाहता हूँ कि कोई विद्वान नास्तिक बात करे और मैं उससे जानना चाहूँगा कि परलोक है ही नहीं, पुनर्जन्म है ही नहीं, यह बात किस आधार से कही जा सकती है, किस आधार से मानी जा सकती है। एक संस्कृत कवि ने कहा, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं साथ अस्ति चेन नास्तिको हतः। कि संदिग्ध है परलोक का विषय, है या नहीं क्या पता है क्या पता नहीं है, हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया, को जाने परे लोए अथिवा अनथिवापनो। ये वर्तमान जीवन के भोग तो हस्तागत हैं, हाथ में आए हुए हैं, उनको भोगें। अब परलोक के सुख तो बहुत लंबी बात है और कौन जानता है परलोक है अथवा नहीं। जनेन सद्धिम होखामी ई बाले पगब्बे, बस सारी जनता करती है वैसे ही मैं करूँगा, जो सारी जनता का होगा वो मेरा हो जाएगा। सारी जनता पाप करती है तो मैं क्यों नहीं पाप करूँ, नरक मिलेगी तो सब कोई जनता को भी मिलेगी, साथ में मुझे भी नरक मिल जाएगी, क्या इसमें चिंता की बात है। तो नरक मिलेगी तब पता चलेगा क्या स्थिति वहां की होती है। तो परलोक के बारे में संदेह हो कि है अथवा नहीं, तो कवि ने कहा एक काम करो, तुम बुरे काम छोड़ दो, परलोक है तो भी ठीक नहीं है तो भी ठीक, तुम अच्छे काम करो, परलोक है तो भी ठीक नहीं है तो भी ठीक, परलोक है तुमने बुरे काम नहीं किए अच्छे काम किए तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, परलोक नहीं भी है तुमने अच्छे काम किए तुम्हें क्या नुकसान हुआ, आराम से शांति से जीवन जिया, किसी को दुख नहीं दिया, अच्छी बात है। परलोक नहीं है तो भी दूसरों को दुख न देना, बुरे काम न करना, अच्छी बात ही हो जाती है। तो हम अनुव्रत को बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे अच्छे नियम आदमी के जीवन में आ जाए तो आदमी का जीवन धन्य बन सकता है, और परलोक है तो उसका परलोक भी अच्छा होने की संभावना है। हालांकि मैं तो परलोक में विश्वास करता हूँ, मेरा तो विश्वास है पुनर्जन्म में, कि पुनर्जन्म है ऐसी हमें बहुत अच्छे ढंग से प्रतीति हो रही है। हालांकि साक्षात तो नहीं इतना देखा तो कहना कठिन है, पर हमें प्रतीति हो रही है कि परलोक है, पुनर्जन्म है, फल पुण्य पाप के मिलते हैं। तो हम पापों से बचने और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करें।
दानान सिठम अभय पयानम वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। तो यह जो बात है अपनी पहचान की, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा तो यह गया कि भगवान का अंश भी भीतर में है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा होती है। साधना की जरूरत है उस भगवान या आत्मा का अनुभव करने के लिए। अपने भीतर में क्या है, इसको कौन कितना हम में से जान पाता है। साधु संन्यासियों की भी हमारी कितनी साधना है एक प्रश्न है। हम साधना में कितने आगे पहुंच चुके हैं। हालांकि साधु के जीवन में त्याग है तो बहुत बड़ा काम हो गया। औरत और पैसे का त्यागी कोई है तो मेरी समझ के अनुसार वह तो बहुत आगे बढ़ गया है। जिस आदमी ने औरत का त्याग कर दिया और फिर बचपन में औरत का त्याग कर दिया है, बचपन में पैसे का त्याग कर दिया है, जिंदगी भर उस त्याग को निभाता है, बड़े अच्छे ढंग से निभाता है, तो आम जनता से वह आदमी तो बहुत आगे पहुंचा हुआ होता है। और आत्मा की अनुभूति हुई हो न हुई हो, इतना त्याग कर दिया है और त्याग को अच्छी तरह पालता है, तो वह आदमी भी परमात्मा का एक अंश है। मानो परमात्मा का कोई रूप है जिसने औरत और पैसे का त्याग कर दिया है। सन्यासी के लिए ये कुछ तो कसौटियां होनी चाहिए कि सन्यासी है, औरत की आसक्ति से मुक्त हो। सन्यासी है, पैसे के प्रपंच पैसे की आसक्ति से मुक्त हो, झूठ बोलने से विरत हो, चोरी न करने वाला हो, हिंसा से विरत रहने वाला हो। ये कुछ बातें हैं, पांच बातें मान ले। हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, स्त्री का त्यागी, पैसे का त्यागी, जायदाद संपत्ति का त्यागी, अपने स्वामित्व में कोई मकान नहीं। हम साधु लोग यहाँ आए हैं तो हमारा तो कोई मकान यहाँ पर है नहीं, किसी दे चले जाएं। एक मकान ये आपका जैन भवन, ऐसे कुछ मकान मिल गए जहाँ साधु साधियाँ रहते हैं, तो हम वहाँ चले गए, रह गए। अब कोई यह कहे कि आपका मकान कोई यहाँ पर है क्या, तो हमारा मकान तो कौन सा है। हमें तो मकान में जाएं तो भी विधि के अनुसार मालिक की आज्ञा लेकर रहने की विधि है। हमारा हो तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है, सीधे गए अंदर बैठ जाएं। पर यह त्याग है साधुओं का कि अपना निजी कोई मकान न हो। साधु का यह त्याग है एक रुपया भी कोई बैंक बैलेंस नहीं हो, यह साधु का त्याग है। साधु पैसे की आसक्ति में पड़ जाए, पैसा पैसा पैसा, तो पैसे की आसक्ति में फंसा हुआ है, फिर पैसे के साथ छल कपट चलते हैं। इसका मतलब है कि साधना में अभी काफी कमी है। त्याग है जिसके जीवन में, वह व्यक्ति ऊंचा है, वह व्यक्ति महान है। आचार्य भिक्षु के जीवन में कितना त्याग था, और आगे चलें भगवान महावीर का जीवन कैसा था, कितनी उनकी साधना थी
फिर उनकी साधना तो प्रकर्ष को उत्कर्ष को प्राप्त हो चुकी थी। तो हम भी उस पथ पर चल रहे हैं और होना यह चाहिए, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। हमारा संकल्प ऐसा हो कि प्रभु के पथ पर जीवन हमारा अर्पित रहे, बढ़े चले, बीच में रुके नहीं, आराम न करें, चलें, इस पथ पर बढ़ते रहें। पैरों से चलना जरूरी नहीं हमेशा, पर भावात्मक गति से हम परमात्मा के पथ पर चलते रहें। शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा है, सिद्ध आत्मा है वो परमात्मा है, तो हम परमात्मा के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। तो मुनि श्री विजयराज जी स्वामी, जिनसे जिनका दर्शन हमें कल मिला था, और एक तो मैंने यह देखा कि विद्यालयों के प्रति इतना इनका कृपा का भाव लगता है, विद्यालयों के प्रति, विद्या संस्थान के प्रति इतना इनका कोई परोपकार की या क्या भावना जुड़ी हुई है, मुझे नहीं पता आज तक कितने कितने विद्यालयों का स्पर्श आपने कर लिया होगा, गिनती भी है कि नहीं, 1,000 वेक 2,000 वेक 5,000 वेक, मुझे तो गिनती मेरे पास तो नहीं है, कितने विद्यालयों, ठेठ गुरुदेव तुलसी के समय से मुझे याद है, विद्यालयों में जाना, जीवन विज्ञान की बात बताना, इस दृष्टि से तो एक विरल संत कह सकता हूँ, जीवन विज्ञान और विद्यालयों में काम करने की दृष्टि से विरल संत हमारे संघ के, इस अपनी अपनी विशेषता, इस कार्य की दृष्टि से, विद्यालयों में जाने की दृष्टि से विरल संत संभवतः मुझे लग रहे हैं कि एक आदमी इतना एक चतुर्मास में, एक प्रवास में कितने कितने विद्यालयों में, आपके पास कोई सूची है क्या कितने विद्यालय हो गए आज तक? हैं, क्या 14,000 विद्यालय हो गए हैं? 33 लाख, बहुत। जीवन विज्ञान की बात, विद्यालयों में जीवन विज्ञान, नैतिकता, अनुव्रत, वो बातें हैं, व्यसन मुक्ति। इस कार्य में तो कोई समणियां भी इतनी मिलनी मुश्किल है, 14,000 विद्यालयों में कोई समणी गई हो मिलना मुश्किल है, कोई साध्वी भी गई हो मिलना मुश्किल है, और कोई संत भी गया हो, निर्मल जी को तो छोड़ दें, निर्मल जी तो भले गए हो, तो ये तो साथ हैं, बाकी मिलने संभवतः मुश्किल है इतने विद्यालयों में गए हों। हाँ, पहला नंबर है। बोलो, हाँ बोल दो। विजयराज जी स्वामी का जीवन विज्ञान का काम तो विरल, बहुत ऐसा मिलना दुर्लभ व्यक्ति है ऐसा मिलना कोई जीवन विज्ञान के मामले में, तो मुनिश्री के लिए मैं कहना चाहूँगा
जीवन विज्ञान महासंप्रसारक, जीवन विज्ञान महासंप्रसारक संत के रूप में स्वीकार करता हूँ। और आपसे मिलना हो गया है, मुनिश्री का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जितना हो सके खूब अच्छा काम करते रहें, और हमें तो अब आगे जाना है, तो आगे फिर यात्रा का लक्ष्य बनाया हुआ है, तो मुनिश्री खूब अच्छा काम करें, खूब अच्छा भाव बनाए रखें। परम पूज्य गुरुदेव निर्मल जी भी खूब अच्छा काम करें, अच्छा सहयोग करते रहें, खूब अच्छा सेवा में, तो कई बातें सेवा की कई अच्छी बात लगी इनकी, सेवा भावना की। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मुनि श्री विजयराज जी स्वामी को, और वैसे देखा जाए तो धर्म संघ में यह पहला सम्मान है इस प्रकार का, जीवन विज्ञान महासंप्रसारक, तो इस प्रकार का गुरुदेव के द्वारा वरदान मिला। मुनिश्री भी बहुत मेहनत कराते हैं और आज इनकी मेहनत इस रूप में सफल हुई है, और यहाँ की पुष्पा नाहटा जो गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देना चाहती है, पुष्पा नाहटा। हाँ, फरमाओ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद से इन ये काम आचार्य श्री तुलसी ने सौंपा और फरमाया तुम ये काम करो, वह सब आपके आशीर्वाद से सफल हुआ है और आपकी शक्ति से काम होता है। जहाँ भी जाते हैं आचार्य श्री के नाम से कि हम उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा अच्छा, और हर संस्थान जहाँ भी जाते हैं उनकी ये मांग रहती है, ये कार्यक्रम हमारे बार बार होते रहने चाहिए, लिख लिख करके डायरियों में, और काफ़ी अनुभव विश्व भारती के अंदर सारी रिकॉर्ड बना हुआ है, तो अनुभव विश्व भारती के द्वारा ये सारा संचालित, और सब आपके आशीर्वाद से साफ करें। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, भक्तों के भगवान आचार्य प्रवर, साधु साध्वी वृंद और धर्म परिवार, आप अमावस में पूनम का चांद